मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी ये ना सोचें कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा। ये संसार है, यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना देते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे। एक बार मतलब के दिन तो आने दो। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नियत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जो हर बात याद रखते हैं। नाराज मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। अपने आप को किसी का आदि ना बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। इंसान भी कितना अजीब है ना, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है, और अगर गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई भी नहीं। मोह खत्म हो जाने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेसकीमती चीज, जिसके साथ बात करके खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है, बाकी तो सब दुनिया है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। इंसान के सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। रखा करो नजदीकियाँ, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। फिर न कहना कि चले गए और बताया भी नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।